हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में पाठ्यक्रम से मुगलों के इतिहास को नहीं हटाया जाएगा। हरियाणा सरकार चाहती है कि देश में जिस किसी ने भी राज किया है उसकी जानकारी पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार मानती है कि पाठ्यक्रम में अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से होनी चाहिए और हरियाणा में पाठ्यक्रम में भगवद गीता को जोड़ा गया है। हरियाणा के जो वीर पुरुष हुए हैं उनकी जीवनी को अध्याय में पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार चर्चे में है कि मुगल का जो इतिहास था वो पाठ्यक्रम से अध्याय से हटा दिया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हरियाणा में इस तरीके की रणनीति अपनाई जाए? नहीं, देखिए कहीं भी कोई इतिहास नहीं उठाया गया। मैं ये कह रहा कि एक इतिहास को अगर आप अधिकता देखो उसको ही सारे सारे पढ़ाओगे तो गलत है। आपका जो प्राचीन काल का इतिहास है वहाँ से आप शुरुआत करो ना, आप उससे राम से भगवान श्री कृष्ण से शुरू करो। आप भगवान श्री कृष्ण ने करते तो मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य शुरू, तो आप एक बनाए गए मध्यकालीन से शुरू करो आप, और आप जो आपके महापुरुष हैं जिनके दौरान हिंदुस्तान जो है दुनिया का नंबर वन देश रहा, जिसके समय में हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी, लोग कहते हैं कि दुनिया की जीडीपी का 75% यहाँ था, पर अगर 75 नहीं था जितना भी था लेकिन भारत नंबर वन था दुनिया में, तो हमें वो इतिहास ही पढ़ना चाहिए। और फिर हमें वो इतिहास भी पढ़ना चाहिए कि हमारा पतन कैसे हुआ, हम कैसे गुलाम हुए, वो पढ़ना चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि हम आगे कैसे गए और हम पीछे कैसे आए, और उसमें हमें इतिहास से हमने सीखना चाहिए, उससे हम शिक्षा लेनी चाहिए। इतिहास इसलिए है, केवल याद करने के लिए नहीं, इतिहास शिक्षा लेने के लिए है। तो हम उसमें हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा इतिहास हमें पढ़ना चाहिए, हमारे महापुरुषों ने किस प्रकार से इतने लंबे चौड़े उस पर राज किया और जिस प्रकार से एक सफल शासन उन्होंने किया, तो वहाँ से सीख लेनी चाहिए। और श्री कृष्ण जी की आपने बात की सर, हरियाणा भी कहीं ना कहीं धरती मानी जाती है भगवान की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें खासतौर से हरियाणा की, शिक्षा मंत्री हैं आप, हरियाणा में ऐसे कौन से अध्याय हैं जो पाठ्यक्रम में अलग से जोड़े जाएंगे चाहे भगवान से जुड़े हुए हों? जैसे हमने भगवत गीता है उसको मैंने अध्याय में जोड़ा है, और प्राचीन काल से हमने उसको उसकी शुरुआत की है जो हमारे पिछले राजा हैं उनसे भी, और साथ साथ हमने जो हमारे यहाँ के महापुरुष हैं हरियाणा के जो हैं हमने उनको भी स्थान दिया है इतिहास की पुस्तकों में। सबसे पहले जो चेंज अगर किया पूरे देश में, तो सबसे पहले हमने चेंज किया और हमने कहा कि जो हमारे यहाँ के महापुरुष हैं जिन्होंने बलिदान दिए, ऐसे बहुत से मुस्लिम शासक भी हैं जो उस टाइम बाबर यहाँ आया तो उसके खिलाफ लड़े, महाराणा सांगा का साथ दिया उन्हें, तो उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए ना हमारे लोगों को, क्योंकि केवल ये नहीं उन्हें भी साथ दिया। और इतिहास को नहीं हटाया, नहीं हम किसी का इतिहास हटाने, हम सच्चाई को सामने लेके आने लग रहे, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, तो उनका भी इतिहास आना चाहिए। और फिर अंग्रेजों के टाइम में हमारे यहाँ 14 गांव ऐसे हैं जिनको अंग्रेजों ने जला दिया था या तोप से उड़ाने का आदेश दे दिया था, तो ऐसे गाँव का भी इतिहास होना चाहिए। ऐसे भी महापुरुष हैं जिनके बारे में, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं जिनके बारे में नहीं जानते, लेकिन हमारे ही पास के लोग हैं ऐसे जिन्होंने बहुत बड़े बलिदान दिए, जिस क्रूरता के साथ अंग्रेजों ने उनको मारा, तो उस सारे की जानकारी हमारे बच्चों को मिले, हमें पता चले उसका, तो उसके लिए हमने जो है हमने जो इतिहास की सही है वो सारी को लेकर है सामने। अच्छा सर, आखिर कुछ इतिहास को रहे हैं। आखिर में एक सवाल सर, हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग चल रही है, आप किस तरीके से? नहीं देखिए, अब हिंदू का अर्थ ही दूसरा ले लिया, अब आपको इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, तो इंडिया का नागरिक है इंडियन है, हिंदुस्तान का नागरिक है हिंदू है, तो मुसलमान हिंदू क्यों नहीं है, वो भी हिंदू ही है, तो जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो हिंदू ही है, लेकिन इसको पंथ बना दिया हिंदू को, ये पंथ नहीं है कोई, हिंदू कोई पंथ नहीं है, तो फिर कोई पंथ की डेफिनेशन बता दे मेरे से क्या हो, और उसने हिंदू में इसके साथ जोड़ के दिखा दे क्या है, तो ये केवल और केवल ब्राह्म प्रचार है। और ये देश जो है ये सेकुलर शब्द तो आज आया, जिनके यहाँ सेकुलर नाम की चीज़ नहीं थी वो सेकुलर की बात कर रहे हैं, हम तो सदा से ही हमारे तो विश्वास ही इस बात में है कि परमात्मा एक है, उसको जानने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, जो महापुरुष हैं वो अलग अलग तरीके बताते हैं। धन्यवाद सर, कंवरपाल गुर्जर जी शिक्षा मंत्री हरियाणा के, जिनकी तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है कि हरियाणा में पाठ्यक्रम में भगवत गीता के अध्यायों को जोड़ दिया गया है लेकिन मुगलों के इतिहास को इसमें से हटाया नहीं जाएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।